الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلوات मोहतरम, पता नहीं क्या बात है, आपसे कुछ मेरी तबीयत बहुत खराब सी हो रही है और कान मेरे बिल्कुल बहरे हो गए, मैं बिल्कुल कुछ नहीं सुन रहा आज। आपसे मैंने अर्ज किया था, मैंने क्या कहा था, आप खुद पढ़ते हैं, आप खुद देखते हैं, कुरान में मौजूद है कि अल्लाह ने जब फरिश्तों ने आदम की खिलाफत पर एतराज किया, अल्लाह ने यह जवाब दिया था कि मैं बेहतर जानता हूं, तुम नहीं जानते, इन्नी आलमू माला तालू, ये वक्त। और फरिश्ते खामोश हो गए। अब उस दिन से लेकर और आज तक और शायद कयामत तक फरिश्ते बड़े गौर से आदम और उसकी नस्ल को देख रहे हैं, ये क्या करता है, क्या कहता है, किस तरह रहता है, किस तरह गुजारा करता है, किस तरह इबादत करता है, क्या रियाजत करता है, क्या करता है ये, और क्या बात है ऐसी इसके अंदर जिसे अल्लाह ने कहा है कि मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, बात क्या है जिसकी वजह से इसे इतनी इज्जत मिल गई। चुनांचे इंसान की इस इंक्वायरी और तहकीक के सिलसिले में फरिश्तों ने अपने दो दो नुमाइंदे हर इंसान के कंधों पर बिठा रखे, जो इसकी हर हरकत को, हर कौल को, हर फेल को लिखते हैं, फिर उसकी पड़ताल होती है, देखो भाई इसने क्या कहा है, क्या बात है, किस तरह ये कैसे हो गया खिलाफत का मुस्तहिक, हम नहीं है, इसके अंदर क्या सिफत है, क्या खूबी है, ये और जो है ना मेरे मुहतरम साहब, और इस देखने का, जांचने का, परखने का हक हासिल है, जिनसे उनसे कहा यह गया मैं जानता हूं, इसमें जानता उन्हें हक है या नहीं इस बात का कि वो खूब गौर करें कि क्या बात है, किस्सा क्या है जो कहा जाता है कि मैं जानता हूं, क्या जानता है, क्या है इसमें बात, तो जो मेरी बात पे है ना भाई, तो मेरे मुहतरम गुरु फरिश्तों ने देखा इंसान की हस्ती हकीकत तो इतनी है कि पांच शेर खून, पांच छह शेर, सात शेर हड्डियां, कुछ जड़ी मड़ी रगें, यही ना कुछ एज पेज से पट्टे, ऊपर खाल का झोल, और ये पांच छह फीट का ये पुतला इंसान दुनिया में आ गया, हकीकत तो सिर्फ इतनी है। और जब इसका कीमियावी तजिया किया जाए तो दो घड़े पानी, पांच सात से चूना बस ये हकीकत है, और कब्र में चला जाए तो मिट्टी होते खत्म हो गया बात, ये इसकी हकीकत, यह है हकीकत, न इसमें ताकत बर्दाश्त है, न कुछ है, नहीं कहते हैं अजीब बात है कि इसे इंसान को इतना सिर चढ़ाया अल्लाह ने कि हमारे होते हुए कहता है कि ये सब कुछ है, इसमें वो हुनर है, वो इसमें इसकी हालत है कि जो हम जानते हैं। जब तक खुदावंद आलम अपनी कुदरत से इस इंसानी जमात के फर्द से या सब जमात से या किसी एक फर्द से कोई ऐसी अदा नहीं दिखाएगा कि जिसे देखकर फरिश्ते कह उठे कि हाँ अल्लाह ने मान लिया, वाकई उस वक्त तक फरिश्तों का एतराज बाकी रहेगा और यह कर्जा रहेगा अल्लाह के जिम्मे भी और इंसानों के जिम्मे। मेरी बात क्या और है, ऐसा फर्ज जरूर आना चाहिए इंसानों में जो इतनी बड़ी कोई बात दिखा दे जिसे देख के फरिश्ते कांप के कह देंगे अल्लाह मान गए, वाकई ये बात इसके अंदर है, हमने अगर ऐसा न दिखाया किसी ने तो ये कर्जा रहेगा अल्लाह के जिम्मे भी और फरिश्ते इंसानों के जिम्मे भी, ऐसा फर्ज आना चाहिए। मेरी बात से तवज्जो फरमाइए, आपने गौर किया, ये बात जरूरी है। अब इंसानी जमात अगर हजरत आदम से शुरू हुई, और अगर क्या हम तो ये मानते हैं हम जो बैठे हैं ऐसी आदम से शुरू हुए और नस्ल ये चलती रहेगी कयामत तक,
और इस कसरत से औलाद आदम आ रही है दुनिया में। जब तो हुकूमतें कोशिश कर रही हैं कि जरा कम हो, तादाद बहुत बढ़ गई है, जराए जो है वो बहुत कम रह गए हैं, लिहाजा जरा कम हो, मगर तौबा करो आ रहे हैं। इनकी कसरत से आमद ये बताती है कि अल्लाह अभी मायूस नहीं है इंसान से, अभी उसे पता है कि कोई ऐसा है जिसने आना है। मेरा मतलब यह है कि ऐसी फर्द आनी चाहिए इंसानों की जो फरिश्तों से कलमा पढ़वा ले और ये कह दे वाकई मेरे अल्लाह मान गए। सच बात यह है कि इसके अंदर जो जौहर है वो हमने नहीं है, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। अल्लाह ने, अगर आप अपनी तवज्जो से सुनेंगे तो बात बताऊंगा, सुनेंगे ना है? आपने मुझे मगरूर कर दिया है, आप मेरे कलाम को बड़ी तवज्जो से सुनते हैं, हालांकि मैं तो न मौली साहब हूं, ना आलिम हूं, ना अल्लामा हूं, ना कुछ हूं, पता नहीं क्यों सुनते हैं यार। कि आपने मुझे बड़ा मुतकब्बिर बना दिया, और जब मैं आता हूं मजलिस में तो आप खड़े हो जाते हैं। मैं हर दफा कहता हूं ऐसा ना करें, मुझे इससे तकलीफ होती है, आप आराम से बैठे रहा करें, मैं आराम से आके अपनी जगह बैठ जाया करूंगा। आप जो खड़े हो जाते हैं मैं यह समझता हूं कि मुझसे नाराज होकर खड़े हो गए जा रहे हैं। आप इस तरह खड़े नहीं हुआ तो मेरे मुहतरम बुजुर्गो, मेरे मुहतरम भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, इंसान है कि चले आ रहे हैं। सामने मुहतरम, कोई इंसान बड़ा बाइज्जत है दुनिया में, और इज्जत का मैयार क्या बनाया है इंसान ने कि जिसके पास दौलत है बस उसकी इज्जत है, ठीक है ना भाई? पैसे वाला बाबा इज्जत, वो जो गलत बात भी कह दे जनाब बिल्कुल दुरुस्त, वो कोई बेहुदा हरकत दे यहां सुभान, पैसा इज्जत है या नहीं है? बड़ी इज्जत है, पैसे की बड़ी इज्जत यहां, उसकी हर बात अच्छी है, उसकी हर बात दुरुस्त है, क्यों उसके बाद दौलत है पैसा है? ये इंसान का मैयार इज्जत है, या फिर इज्जत का मैयार है हुकूमत, जिसे किसी न किसी तरह हुकूमत मिल गई तो बसरे हुकूमत आ गया, खास किसी तरह भी आया हो। हुकूमत मिल जाए, खास किसी तरह मिल जाए, साबेदार है तो जो है ना, एक बात कराऊं तुम्हें, मैं यहां आया हूं ना दुबई, तो मेरे जो मेजबान हैं जनाबे शाह साहब, वो मुझसे बहुत मेहरबानी फरमाते हैं, उन्होंने मुझे एक वक्फ के निहायत उमदा सजे हुए आरास्ता कमरे में ठहराया हुआ है, वहां ठहरा हूं, क्या मुझे उन्होंने वक्फ कर दिया है यहां 10 दिन के लिए। इस कमरे में मैं रात को आराम से सोता हूं, सुनना मेरी बात तो और थी, रात में सो रहा था अपने कमरे में, तो 3 दिन की बात है, बत्ती गुल कर दी, अंधेरा था, कोई साहब आए वहां, पैरों की आहट तो होती नहीं फर्श पे, फिर भी वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता आए और मेरी ये टोपी चुरा के ले गए। बताओ भाई, ऐसे शख्स को जो रात के अंधेरे में आके मेरी टोपी ले गया कमरे से, आप क्या कहेंगे? बोलो भाई, चोर। कब कहोगे चोर उसे? जब पकड़ा जाए, और अगर पकड़ा ना जाए तो आपके बराबर आके बैठेगा। चोर जब चोर बनता है, जब पकड़ा जाए, और जो चोर पकड़ा ना जाए वो बराबर बैठता है, बराबर सोता है, बराबर जागता है, मरने के बाद कब्र भी बराबर बनवा सकता है चोर जो उसे, वो मतलब जब पकड़ा हो, और अगर पकड़ा जाए तो चोर है। हम अदालत में सजा देती है चोर को, इसके हाथ काट दो, इसे जेल भेज दो। आप यकीन फरमाएं मेरे साहब, हम डरते डरते कहता हूं कोई हुकूमत मुझे पिटाई न कर दे। ये जो हुकूमतें सजा देती है ना चोर को, हाथ काटती हैं, जेल भेजती हैं, ये चोरी करने की सजा नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। इस बात की सजा है कि नामराद पकड़ा क्यों गया, अगर पकड़ा ना जाए तो कोई सजा नहीं।
नहीं मिला उसको क्या है अगर चोरी करनी थी अगर मंदिर से करता पकड़ा जो बस भाई अब वो चोर नहीं पकड़ा गया मेरी टोपी देगी जब नहीं पकड़ा गया उसे हिम्मत बन गई अगले दिन फिर आ गया अगले दिन मेरी आवाज कर कपड़े जो कुछ मेरा सब ले अब क्या है वो क्यों चोर उसकी और हिम्मत हुई उसने दो चार आदमी अपने साथ में आ लिए उसने किसी मकान में नकब लगा के सारा सामान ले लिया अब देखो चोर फिर उसने 10-20 आदमी साथ कर लिए अब वो मकानों में नहीं जाता बल्कि सड़क पे खड़े होकर रहगीरों को कार रोक ली यहाँ रख दो मुझे तुम्हारे पास वो पेट्रोल पंप लूटता है वो दही को मिटा के डालता है अब क्या है वो अब भी चोर है डाकू मालूम है चोर की तरक्की याफ्ता शक्ल को डाकू कहते डाकू तो नई शहरी चोर जब तरक्की कर जाए तो डाकू कहलाता है उसने जहां 10-20 पेट्रोल पंप लूटे 2-4 सेठों के तिजोरियां लूटी 10-5 फर्में लूटी काफी पैसा हो गया उसके पास उसने असलहा हासिल किए और एक 2-4 हजार का गिरोह बन लिया अब 2-4 हजार का गिरोह बन के उसने और बड़े बड़े कारनामे किए 10-20 हजार आदमी हो गए अब एक शहर पर उन्होंने हमला कर दिया पूरे शहर को मार पीट के कब्जे में किया वहां के हाकिम को अलहरा किया खुद उसकी जगह बैठ गया हाकिम की अब क्या है वो आला हजरत आला हजरत जिल्ले सुभानी खल्लद अल्लाह मुल्क हु इकबाल अब जनाब मुल्क पे उसकी तस्वीर है शिकर पे उसकी तस्वीर है अब उसके यहां झंडे लहराते हैं तो जो चोर पकड़ा ना जाए उसकी आखिरी शक्ल आला हजरत राजन कहलाता है अब वो शाही मलिक मौजूद कहलाता है वो शहनशाह कहलाता है ये है जनाब हुकूमत जिसको आप जिससे दुनिया डरती ये है वो सल्तनत जिससे दुनिया डरती है या नहीं और फिर आला हजरत की हकीकत कितनी है कि आज आला हजरत है जहां पनाह है और कल पनाहगीर हो गए यह है ना हकीकत शहनशाह की यह है हकीकत आला हजरत की कि आज खुद जहां पनाह है और कल पनाह नहीं मिलती कहीं है या नहीं और अगर दौलत और हुकूमत दोनों इकट्ठी हो जाए फिर भी कोई शहरी कोई बात नहीं बिल्कुल कोई बात नहीं कानून के पास दौलत थी कफन भी मैसर न हुआ नमाज भी मैसर न हुई जनाजे की गुस्ल भी मैसर न हुआ यही जमीन में ढक गया यही हुआ दौलत का यह अंजाम होता है कि दौलत वालों को न कफन मिलता है न कब्र मिलती है दौलत और हुकूमत दोनों इकट्ठी हो जाए फिर तो खुदा की पनाह जब जवाल आता है ना दौलत और हुकूमत दोनों को तो कुछ न कुछ का हर्ष होता है दौलत वालों का हुकूमत वालों का जहां दोनों इकट्ठी हो जाए तो मर जाए भी तो कोई नहीं निकले तलाश को कहां मर गए और कुत्ते घसीटते थे गलियों में लाश को इसको हमने मेरे इज्जत बनाया हुआ है बड़ी इज्जत अल्लाह कहता है जाने भी दो ये चीजें इज्जत की बात नहीं है क्यों फरिश्तों का मजाक बनते हो मैंने इन्नी आलम माला तालमीन कहा है तुम इन चीजों के पीछे न दौड़ो देखो इज्जत बनती है तकवा से इज्जत बनती है मेरे करीब आने से इज्जत बनती है मेरे पास आने से मेरे पास आओ इज्जत होगी तख्त नशीनी से इज्जत नहीं बोरिया नशीनी से इज्जत है मेरे हो तो तख्त वाला बोरिए के सामने कान पकड़ के ना आए तो मेरा जुर्म और ये कह के न जाए कि तू न होता तो मैं हलाक हो जाता इंसान के दिलो दिमाग में जरा सी कोई बात हो जाए तो इतना गरूर आ जाता है आदमी में कि वो अपने आप को भूल जाता है और फिर बेइज्जत होता है मेरे इस अखलाकियात के मजमून से आप घबराते हैं गरूर आ जाए देखो बात बताऊं तुम्हें मैंने कहा चलो भाई आज जरा बाजार की सैर करें लड़कों के साथ चला गया सैर कर एक बड़ी सजी हुई दुकान थी आरास्ता है शानदार भाई चलो इस दुकान में चल के देखे क्या है ऐसी चीजें रखी थी कि हम तो उनके नाम भी नहीं जानते थे क्या है
बड़ी अच्छी चीज है, शीशे की अलमारियों में सजी हुई रखी। एक अलमारी में उमदा किस्म के बेहतरीन किस्म के इसके क्या नाम है प्लास्टिक के लिफाफे से एक शय रखी थी। मैंने उसे उंगली लगा के कहा दुकानदार से, भाई ये क्या है, उठाओ इसे छूना मत, जो खड़े होकर देखो मैं डर गया, इसकी एहतियात है। मैं दूर खड़ा हो गया, मैं डर के मारे उसे सलाम किया उस चीज को, वो चीज सलाम जवाब भी नहीं दिया। मगरूर जो थी बैठी थी अपना आराम से वहां अलमारी में, मैं कहा बाबा ये है क्या, कि बाबा तुम मेरे काम की नहीं ये चीज, ये बच्चों की चीज है, क्या है कि ये फुटबॉल है, वो खेलते हैं जिससे लड़के, देखी ना आपने फुटबॉल वो है। मैं अच्छा ये इतनी बाइज्जत है यहां देख के चला आया, बाबा ही फुटबॉल तेरी इज्जत, तुझे छूना भी जरूर। शाम को जब मैं निकला शहर को देखता क्या हूं, एक मैदान में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो ही फुटबॉल है, खोपड़े में ठुकराई जा रही है। इसे सुबह को छूने से जो मैली होती थी, अब शाम को वो ठोकरों में ठुकराई जा रही है, लड़के उसे ठोकरे मार रहे हैं कभी इधर कभी उधर। मैंने फुटबॉल को पकड़ के कहा बड़ा अफसोस है भाई, ये क्या हशर हो गया तेरा, सुबह तेरी इतनी इज्जत थी कि तेरे छूने से तू मैली होती थी, अब ये हशर हो गया, हुआ क्या। गजैली साहब क्या बताऊं, उस वक्त मुझ में हवा नहीं भरी थी, तो ये जब से गुरूर की हवा भर गई मेरे भाई मेरे अजीजों, यही बातें बता के मैं तो अब भी तखीर किया करता हूँ। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इंसान में जो गुरूर की हवा भर जाए तो उसका बुरा हश्र होगा, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बड़ा बुरा हश्र। इंकिसार हो तबियत में सुभान अल्लाह, उससे वक्त के इंसान ही कोई उससे बड़ी बात ही नहीं। तो फरिश्ते ये देखना चाहते हैं कि ये इंसान जो है जिसको अल्लाह ने ये नहीं लगा के इज्जत दी है, इसमें है क्या वो बात। अगर ये मगरूर बनता है तो यह हश्र होता है, इसके बाद पैसा आ जाए तब जलील होता है। खुशे देख रहे हैं और देख रहे हैं। मैं बात को मुख्तसर कर दूं क्योंकि आज मैंने मुख्तसर बात करनी है आपसे। फरिश्ते तो इसी बात पे अकड़े बैठे थे, इसे खलीफा क्यों बनाया। अल्लाह ने इससे आगे एक कदम बढ़ा दिया कि एक इंसान को अल्लाह ने कहा तू मेरा खलील है, तू मेरा दोस्त। अब फरिश्तों के तो मुंह बन गए, बड़े बिगड़ गए कि वाह अल्लाह भी तुम तो कहते ये खिलाफत के काबिल भी नहीं, अब तूने ऐसे अपना दोस्त बना लिया और हमें किसी को खलील नहीं बनाया, हमें इतने दिन हो गए तेरी इबादत करते करते हमें ही खलील बनाया। बताओ तुम्हें कितने दिन हो गए इबादत करते हुए, क्योंकि हिसाब तो हमें आता नहीं। ये मैं आपको रिवायत सुना रहा हूं, ये अपनी तरफ से नहीं सुना रहा हूं। तब फरिश्तों के बादशाह जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह मियां मुझे इतने दिन हो गए तेरी इबादत करते हुए कि एक सितारा निकलता है कहीं अर्श पर, वो जमीन से नजर नहीं आता। जिब्राइल का बयान है वो 30,000 बरस तक रोज निकलता है, 30,000 साल रोज निकलता है, फिर वो गायब हो जाता है और 30,000 बरस वो गायब रहता है। 30,000 साल चमकता है, 30,000 साल वो गायब रहता है। तो मैं अब तक उसके 30,000 दौर देख चुका हूं। अच्छा तो ये याद है, हाँ ये याद है मुझे, इतने जमाने से मैं तेरी बात कर रहा हूं। तो मुझे तूने कभी बंदा भी ने कहा, इसे तूने खलील बना लिया, तो कल आया है दुनिया की। ठीक है जुड़ी, तुम्हारी बड़ी याददाश्त है, जब तुम पैदा हुए थे वक्त में याद है कहा क्या हुआ था उसको, या अल्लाह तुमने मुझसे पूछा था कि जिब्राइल बताओ तुम कौन हो और मैं कौन, याद है तुम्हें जिब्राइल का। हाँ मुझे याद है, तुमने मुझसे पूछा था कि तुमने क्या जवाब दिया था कि अंता अंता मैं आना आना, तू तू ही है मैं ही, ये जवाब दिया था अंता अंता आना आना, तू तू है मैं ही, बजाय जवाब देने के तू तू मैं शुरू कर दी है मैं। जब रही होश करके जवाब दो, बताओ तुम मैं क्या हूं तुम क्या हो,
कि मेरे अल्लाह कहते रहो तू तू है मैं हूँ। अल्लाह का मुझे गुस्सा आ गया था, तो अल्लाह का गुस्सा आ गया, तुम डर गए थे कहाँ। फिर क्या हुआ था, एक जवान मेरे पास आ खड़ा हुआ और उसने मुझे कहा कि जिब्राइल कहो कि तू रब्बे जलील है, मैं रब्बे जलील हूँ। उस जवान के सिखाने से मैंने ये कह दिया। खैर उस जवान को उस्ताद मानते हो कहाँ, मानते हो उसे देखना चाहते हो, देखना चाहता हूँ। इधर देखो अभी तालिब के घर की तरफ देखो, उस्ताद सलाम, पहचान लिया यही था वो। बताओ मैं न कहता था इन्नी आलम माला तालम, मैंने कहा इंसान में ऐसे अफराद है जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। जब फरिश्तों ने देखा कि एक को खलील बना लिया दोस्त, अब तो बड़े बिगड़े बच्ची लमेगा घटी देखते रहो, मैं जो कहता हूँ मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। वो जो अल्लाह के खलील बने थे इब्राहिम, इनका वास्ता नमरूद से पड़ गया। नमरूद के दरबार में जाके उन्होंने कहा वो नमरूद तू बड़ा जलील है, उसने कहा नहीं मैं रब्बे जलील हूँ, नहीं तू जलील है। ये बातें नमरूद का गुस्सा जो था जनाब उसका पारा तेज हो गया कि ये फटे हुए कपड़ों का आदमी ये शहनशाह को जलील कह रहा है, सारी दुनिया मुझे खुदा कह रही है, तू है कौन कि मैं हूँ जलील है। कभी मैं खुदा हूँ कि अगर तू खुदा है तो खुदा मारता है जलाता है, तू भी मार दे जला दे। अब इतनी बात, हाँ उसने एक फांसी के कैदी को छोड़ दिया और एक बेगुनाह को पकड़ के कत्ल कर दिया, देखो मैंने मार भी दिया जला भी दिया। अवाम ने कहा सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, इब्राहिम ने कहा जलील से अवाम नहीं मुतासिर हुए, सदा जलील बदली। तवज्जो से सुनना साहेब, मैं कह रहा हूं अगर गलत कहूं तो मुझे यही टोक देना, गौर से सुन। अब इब्राहिम कहते हैं नमरूद से कि ए नमरूद अगर तू खुदा है, सुन लो गौर से कुरान की बात है, फिर मेरे बाद मुझे भी कुछ कहना, कुरान की बात है अच्छी तरह सुन लो। ए नमरूद अगर तू खुदा है तो खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, तू खुदा है तो मगरिब से निकाल। भाई यह है ना कुरान में, इन्नल्लाह यजती अश्शम्स मिन अल-मशरिक फातिहा मिन अल-मगरिब, खुदा सूरज निकालता है मशरिक से, तू निकाल दे मगरिब से, फिर जानूंगा खुदा है। तो वह तल्लबी करूंगा, ये तो मेरे बस की बात नहीं। यही किस्सा है ना, मैं तुम सबसे कहता हूं अच्छी तरह नोट कर लो इस बात को, लिख के रख लो इस बात को, समझे कि या अल्लाह तेरे नुमाइंदे ने भरे दरबार में हजारों आदमियों के सामने ये बात कही है कि खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, ए नमरूद अगर तू खुदा है तो मगरिब से निकाल, अगर वो मगरिब से निकाल देता तो उसे खुदा मानना पड़ता या नहीं। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, चाहे तुम मुझे मारो या छोड़ो, कि इब्राहिम अपनी बात पे कायम रहना, जो भी मगरिब से निकाल दे अगर यही बात खुदा बनाती है तो फिर जो भी निकाल दे मगरिब से, अगर इसी बात से खुदा बनता है तो जो भी निकाल दे, बात पे कायम रहे तो बहन का बिल्कुल कायम हूं। अगर किसी ने निकाल दिया मगरिब से फिर क्या होगा, फिर क्या होगा जनाब, इसे खुदा मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा खुदा, मैं बताया दे रहा हूं। अगर निकाल दे मगरिब से तो खुदा मानना पड़ेगा, इब्राहिम का खुदा मान कैसे लूंगा, निकाल ही नहीं सकता कोई, इसलिए कि सूरज के तल्लब तो अल्लाह ये कहता है शमसो तजरी लमुस्तकर लहा, सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पे चलता है, ज़ालिक तकदीर अज़ीज़ुल अलीम, के बड़े गलबे वाले अल्लाह की तकदीर है सूरज का मशरिक से मगरिब में जाना, या सूरज नहीं पलट सकता, अल्लाह की तकदीर पलटेगी, इसकी मजाल है जो ऐसा करती। अगर एक बंदे ने कहा इब्राहिम का ही बेटा था कि दादा जान याद रखना, आपने तो कह दिया नहीं कर सकता, अगर दो दफा न पलटाया तो मुझे भी कौन कहेगा, डर गए ये तो खुदा बन जाएगा। नहीं तू फिक्र न करो, मैं ऐसी शान से पलटा हूंगा कि लुत्फ आ जाए तुम्हें। वो कैसे, असर के वक्त
रसूल के जानी पे, रसूल ने जानी पे सर रखा और बैठे रहे, बैठे बैठे इशारों से नमाज पढ़ ली। तो है ना, अब जो रसूल की आंख खुली, जहाली तुमने असर की नमाज पढ़ी, किबला इशारों से पढ़ी है, कुछ सवाद नहीं आया। फिर दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, फिर क्या है, क्या ख्याल है, बस क्या बताऊंगी। वक्त गुजर गया कि तुम बादशाह वक्त हो, वक्त कैसे गुजर गया, तुम वक्त के बादशाह हो, वक्त तुम्हारा क्या बे फरमान है, तुम जिस वक्त में चाहो पलटा दो। अच्छा ये बात है, पलट के आ गया, सूरज को पलटता देखते हमने कहा इब्राहिम के ख्याल के मुताबिक कि ये अल्लाह है, उसने फौरन अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर दी। अब हम अल्लाह कहने भी नहीं पाए थे, उसने नमाज शुरू कर दी ताकि मुझे अल्लाह न समझना, आबिद समझना, माबूद न समझना। ऐसी अदा से पलटाया है कि खुदा भी न बना और सूरज भी आ गया, वापिस आ गया। बाहर नौ इब्राहिम के जब आजिज हो गया नमरूद, खूब तवज्जो सुनना हूँ, उसने कभी दलील से तो मैं इसे हरा नहीं सकता, दलील से तो ये मुझे हरा लेगा, अब जबरदस्ती करना चाहिए। क्या किया, इसे आग में फेंक दो। याद रखो मेरे सामने, जब ये नाजायज तख्तनशीन अहले हक की दलील से हार जाते हैं, फिर आग की धमकी दिया करते सब नमरूदों का यही कायदा है, फिर आग की धमकी देते हैं, सब नमरूदों का यही उसूल है। बाहर न फेंक दो इसे आग में, हजारों मुंतकड़ी जा रही, अपने किले के साथ मैदान था उसमें, परंदे ऊपर से नहीं हो सकते थे, पीले बरस आग की तपिश थी। इब्राहिम को अपने मकान की आखिरी मंजिल की छत पे ले गए, वो मंजमीट नसल की जो क्रेन जो उसमें इब्राहिम को बिठाया, बिठा के उसे क्रेन को हिलाया जोर से और झटके से इब्राहिम को फेंका उस आग में। सुन रहा ना मेरे बात को, जब वो आग में आ रहे थे, अभी दरमियान में थे, उस वक्त पूरे बेबस थे, यानी बोलो भाई तुम बेबस थे, उस बेबसी के आलम में जिब्राइल आ गया, आके गोद में ले लिया, इब्राहिम मैं तुम्हारी मदद करूं, कौन हो तुम कि मैं जिब्राइल, कि मैं इनका फला मदद तो चाहिए, मैं तुझसे नहीं जाओ। जिब्राइल वापस चले गए और सिदरा पे सर झुका के बैठ गए, या अल्लाह अजीब बंदा है, इस बेबसी के आलम में भी मेरी मदद मिली उसे। अल्लाह ने मुस्कुरा के कहा इन्नी आलम, मैं नहीं कहता था मैं जाऊँ, ज्यादा मैं जाऊँ, देखी तुमने आधा है आदम की औलाद, देखा तुमने कुछ, अब देखो, अब जो फरिश्तों ने देखा कि इब्राहिम आग के करीब पहुंचे और आग ने बढ़ के इस्तेमाल किया, हर शोला सर बन गया, हर अंगारा गुल बन गया, राख सब्जा बन गई, बिल्कुल खुनकी आ गई, सर्दी आ गई, ये उसको गुलजार बनते देख कर नमरूद तो जल गया। इस आग अब जो उसने देखा इब्राहिम को, तो बीच में एक तख्त बिछा हुआ है, उसको बेहतरीन फर्श है, गांव तकिया लगा हुआ है, इब्राहिम आराम से गांव तकिए में बैठे, चारों तरफ चमन खिला हुआ है, इब्राहिम के साथ एक खूबसूरत जवान बैठा हुआ है, दोनों आपस में हंस के बातें करते हैं। नमरूद ने वहीं से आवाज दी, इब्राहिम ये आग बुझ गई, क्यों आग तो बुझ गई, तेरी तबीयत भी बुझ गई है, कैसा मिराज है, क्या हाल है, देखा इब्राहिम एक बात तो बता, ये तेरे साथ जवान बैठा है, क्या ये है तेरा खुदा, जिब्राइल है कि नहीं, उसने मैंने वापस कर दिया था, कि तेरा खुदा है कि नहीं, बात खत्म हो गई। तवज्जो साहिबा, सुना नहीं बात, क्या बताऊं, ये बातें कभी मैं पढ़ा करता था, अब वो बात समझ लो, सारी दुनिया के पढ़े लिखे इंसान इस तलाश में लगे रहे कि वो जवान था कौन जो इब्राहिम के साथ बैठा, फरिश्ता तो वो था नहीं, फरिश्ते की मदद तो लेते नहीं, खुदा भी नहीं था, खुदा तो नहीं बैठ सकता आदमी बनी, वो बंदा था कौन जो बैठ, इस तलाश में लगी रही सारी दिन, पता ना चले कौन था, दुनिया को पता ना चला कौन था। चलते 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 सन 36 हिजरी जो आया, तो इस्लामी अंपायर का शहंशाह
इस्लामी सल्तनत का खुद मुख्तार बादशाह कपड़े पहने लगे हुए, जिसके खुरमा से कमर की पेटी बनाई हुई, मजदूर शहनशाह और शहनशाहों का मजदूर, मोमिनों का अमीर और गरीबों का सहारा, उसे में शहनशाहियत कर रहा था शहनशाह। अतराफ आलम में शोर मच गया था। इस्लामी अंपायर का जो मौजूदा शहनशाह है वो इल्म रसूल का दर है, इस्लाम का दिमाग है, इस्लाम के हिकमत का मखजन है, उसके उम्मीद का मादन है। 400 प्रोफेसर दुनिया की यूनिवर्सिटियों के दवात कलम कागज लेकर पूछे आ गए, उसकी तकरीर को लिखेंगे और देखेंगे इसमें क्या हुनर है, क्या जौहर है। इसमें किसी की कहता है कि मैं इल्म का बाप हूँ, मैं हिकमत का दरवाजा हूँ। 400 आदमी आ गए। उन्होंने आके कूफे वालों से पूछा, तुम्हारे शहनशाह से मिलना चाहते हैं? हाँ। कल तुम मस्जिद में आ जाना, कल जुमा है, हमारा शहनशाह नमाज पढ़ाने आएगा, तुम उससे बात करना। वो सब आके मस्जिद के दरवाजे के सामने बैठ गए दुआत कलम कागज लेके। और भाई दुआत कलम कागज क्यों घर से लाए हो? कि मुसलमान दिया नहीं करते, बच्ची दरवाजे के सामने बैठे। जो जो दोपहर का करीब आती जाए नमाज के वक्त, वो घबरा के पूछे, मुसलमान तुम्हारा अमीर कब आएगा? तभी आएगा, किधर से आएगा? इधर से आएगा। और वो अपने मुल्कों के गवर्नमेंट हाउस देखे हुए, अपने मुल्कों के बादशाहों को देखे हुए, उन्होंने उस तरफ रस्ते पर नजरें जमा दी। मुझे समझे कि 24 घोड़े की गाड़ी में सवार होगा, सर तक को है नीर हीरा टका हुआ ताज होगा, सामने पहले पड़े सबके आएंगे छिड़काव करने वाले, फिर बाजी गार्ड का रिसाला आएगा, फिर दूर बाश कोर बाश की सदाएं होंगी, बाद अब बाब लहजा होशियार की आवाजें होंगी, शहनशाह आजम के सर पे कोई चमर हिलाता होगा, कोई पंखा हिलाता होगा, इस शाम से शहनशाह आएगा। लगा उन्होंने अपने शहनशाह देखे, वो इस तसव्वुर में बैठे थे, अचानक शहर जबराइल की सदाएं आई, फरिश्तों की अमल शुद्ध से खिला और खिला भर गई, 1,24,000 अंबिया की रूहों ने बढ़ के मरहबा कहा, मोहम्मद ने बिस्मिल्लाह कहा, खैबर और खंडक की लाइयों ने नसरुल्लाह कहा, अल्लाह ने जदुल्लाह कहा, जबराइल ने उस्ताद कहा, नबी ने दामाद कहा। मेरे मोहतरम सामने ने देखा कि एक इंसान सर झुकाए हुए खामोशी के साथ चला आ रहा, तवज्जो साहिब, सर पे दुआए रसूल का साया है, इकबाल इमामत पहरा दे रहा है, नहीं वो शहर विलायत आगे आगे रास्ता बना रहा है, किसी की ताकत नहीं की नजर मिला जाए, इसकी मजाल है कछार में शेर से नजर मिला जाए, नजर नीचे हुए आराम से आ रहा। जब उस 400 के मजमे में पहुंचा तो वो पूछते हैं, आने वाले तुम्हारा अमीर कब आएगा? क्यों बच्चों, अगर कह देते मैं अमीर हूं तो ये गलत की बात, ठीक है ना, मगर अदा ये दिखाई, इस अदा पर मर गई दुनिया, ये नहीं कहा मैं अमीर हूं, इससे गरूर मालूम होता था, बड़ी अदा से कहा, भाइयों जरा अली को रास्ता दे दो, कुर्बान हो गए, इतना मुल्क से दिया, इतना मुतवाजी, इतना बासला, इतना शरीफ पीता। और मिंबर की तरफ देखा, मिंबर ने साहेब मिंबर की तरफ देखा, आज मिंबर की खुशी की हद हो गई, बड़े दिन के बाद अहल आ रहा था मिंबर, जब उन्हें एक दूसरे को देखा, जहां से वहां तक रास्ता बन गया, आहिस्ता आहिस्ता चल के मिंबर के सबसे ऊपर के जीने पर बैठ गए। अब तक जो हजरात बैठे थे वे एक जीना छोड़ के बैठते थे, ऊपर के जीने पर कोई नहीं बैठा, ऊपर के जीने पर रसूल बैठा करते थे, वो यही कह के नीचे बैठते थे कि हमारी ये मजाल नहीं कि रसूल की जगह बैठे, ये ना छोड़, ये आके वही बैठ गया ऊपर के जीने पर, बैठ के मजमे पे निगाह डाली, देखा भाला अभी बात नहीं थी, जब शख्स खड़ा हो गया और खड़े कहा, या अली माजम का मकाम रसूल, वहां पर रसूल बैठा करते थे, आप कैसे बैठ गए? आज जवाब में कहते निकल आवाज, ये तो सिर्फ लकड़ी है, मेरे पांव तो वहां पहुंची है जहां मोहम्मद के पांव नहीं है। पूरी तरह मुतवज्जे है आपकी तकरीर शुरू की, वो 400 आदमी ने लिखना चाहिए तकरीर शुरू की, बड़ा देखो मुसलमानों मेरी जिंदगी खुली किताब है, मैं पैदाइश से लेकर आज तक तुम्हारे सामने हूँ, यही कि मैं 40 साल का होकर आया हूँ,
दिन मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे सामने है। तुम्हें से जो मुझे पहचानता हो पहचानता होगा, और नहीं जानता वो आज जान ले इन्नी अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह नहीं, अल्लाह का बंदा हूँ, अपनी रसूल था, हमारे रसूल का भाई हूँ। समझे, समझ गए। और सुनो, अना मुहर्रकुल अशजार, तुम्हारे दरख्तों में पत्ते मैं लगाता हूँ। अना मुसम्मिरुल अंसार, तुम्हारे हजार में फल मैं पैदा करता हूँ। अना मुनज्जिल अमतार, तुम्हारे यहाँ बारिशें मैं कराता हूँ, मेरे हुक्म से होती। समझे, अना उहयी, तुम्हारी मौत हयात का मैं मालिक हूँ। अना हय्युन ला यमूत, मैं वो जिंदा हूँ जिसे कभी मौत नहीं आएगी। अना उसव्वरुकुम फिल अरहाम, मैं तुम्हारी रहनुमा दर में शक्ल बनाता हूँ। मैं जो सारे काम करता हूँ उस विलायत के जरिए से जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। और सुनो, मैंने आदम की तौबा कबूल कराई, मैंने नूह की कश्ती पार लगाई, और ये कह के जरा ठहरे, और ठहर के कहते सुनो, अना जलीस इब्राहिम फिल्लाह, मैं वो जवान था जो इब्राहिम के साथ बैठा। मैंने उस आप को ठंडा किया, मैंने उस आतिश को परो किया था। तो जो है ना साहेब आने का, अब तो फरिश्ते मान गए नहीं, वाकई खुला हुंदा ठीक है। हमें नहीं पता था कि ऐसे इंसान भी दुनिया में आएंगे, हमें नहीं पता था कि ये लोग भी दुनिया के अंदर आएंगे। लोग लिखते रहे, और अगला फिक्रा कहा, सलोनी सलोनी शाबाश, घबराओ नहीं, मैं आदिल इमाम हूं, मैं जालिम नहीं हूं, डरो मत, शाबाश शाबाश सलोनी। हाँ पूछो सलोनी, दुनिया ने तुम्हें मीठी बातें सुनाई, मैं आज तुम्हें सलीमी सुना। सलीमी पूछ लो, अगर नहीं पूछोगे तो मैं कोई पूछेगा नहीं, उससे पूछो, पूछ लो मुझसे। देखो मैं कहता जो हूं उससे पूछ लो, मैं जमीन की नस्बत आसमान के रस्तों को ज्यादा जानती हूँ। पूछो उससे, चाहे आसमान की बातें पूछो, जमीन की, मैं आसमान के राहों का जमीन के रास्तों से ज्यादा वाकिफ। इस फिक्र से पता चला कि आसमान में जाने के रास्ते हैं, इसलिए पूछो भी रस्ते तो हैं, और ये रस्तों को खूब जानने वाला था, क्योंकि रस्तों को अच्छी तरह जानता था। जब भी तो किसी शॉर्टकट से रसूल से पहले जाके बोलने लगा, रस्ते के जानने की बात थी ना, रस्ते की वाकफियत की बात थी ना, तो जो है ना उनके वादा, और अजीब जो फाया होगा रसूल को ईमान से, जब जहां से जाने लगे ना, मेरा आज नहीं सुनानी हो तो मैं पढ़ाई नहीं करता, वैसे एक चकरा कहता हूँ, जब जाने लगे ना यहां से, ऐसे इसने कहा तो बोला मैं भी जाऊंगा। मैंने भी जाना है, कहीं तुम भी घर रहो, नहीं मैं तो जाने घर रहो। अच्छा, एक शख्स के दो बेटे, एक था कोई 7-8 साल का, एक था कोई 2-3 साल का, मजलिस थी, वो साथ जाने लगे मजलिस में रात को। बड़े बेटे का चल मजलिस में, छोटे ने कहा अब्बा मैं भी जाऊंगा। जहां बड़ा भाई जाए छोटा भाई भी जिद करता है, अब बाप ने सोचा कि इसे ले जाऊंगा तो सो जाएगा, हो जा मुझे उठाना पड़ेगा, इसलिए ना बेटा तू भरी रहो, मैं तो नहीं, मैं तो जाऊंगा, जब बड़े भाई जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। वही अब बाप कहे तो मजबूरी बन गई कि उठाना पड़ेगा, क्या करूं ना मेरा बेटा, मैं तो। आखिर बाप ने ये कह के बहलाया कि जो बड़े भाई को वहां मिलेगा ना तबर वो, जब मैं यही ला के दूंगा, जब छोटे से यह वादा हो गया कि बड़े को वहां जो कुछ मिले वो मुझे यही मिल जाए, तब घर ठहरा वर्ण मिल जाए। भाई बड़े साहब चले गए, वहां जाके आवाज आने लगे, ये क्या, ये किसकी आवाज है, अल्लाह जी मैं तुझसे बात करने आया था, ये कौन बोल रहे, ये कौन, देखा तो बिस्तर पे लेटी, ये बोल कौन रहा है, वो तो वहां लेता है, अल्लाह का मोहम्मद जब भी तो कहता हूँ मैं जरूर आ जाए, अब
माने या न माने, अली भी बोल रहा था। बात तो अल्लाह कर रहा था, पर मोहम्मद का दिल रखने के लिए अल्लाह बन के बात निकली। ऐसे बोल रहा जैसे भाई बोले, वो लहजा रसूल के दिमाग में समा आ गया। जो मेराज में बात हुई थी वो लहजा समा आ गया, दिमाग पसंद आ गया। वाह भैया, तू फिक्रा था दीक्षा, जब वापिस लौटे जिब्रील से कहा जरा हम जन्नत भी देखना चाहते, आपकी किताबों में लिखा हुआ है हम जन्नत मिल है, तो जन्नत को आज पूरी तरह सजाया गया। सर की आमद बादशाह की आमद थी, शहर को खूब सजाया गया, बड़ा रास्ता किया गया। रसूल जन्नत की सैर करते रहे, इसे इधर देखा उधर देखा, ये सब रंग के खेमे किसके हैं, ये दुबई के मोमिनों के लिए, ये इस तरफ किसके महल हैं, ये बाकी दुनिया के मोमिनों के लिए, ये कौन है कि ये दूसरे हजरात हैं। और भाई कहीं वो हमारे सब अपने इतने ऐश कर रहे हैं, खुशी कर लो है, आयाम यहां नहीं है। सबको देखते 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 ये बिहार अनुवार की रिवायत है कबला, तो फिर ने दूर से शजर देखा, बहुत पसंद आया, दरख्त बहुत अच्छा था, उसके पत्ते में छुपा हुआ एक समर देखा, फल पसंद आया। जन्नत की खासियत है जो पसंद कर लो खुद आ जाए, तो फल आ गया, हुजूर ने नोश फरमाया, उसकी खुशबू दिमाग में बस गई। अब गुफ्तगू का लहजा वहां दिमाग में बस गया था, फल की खुशबू यहां दिमाग में बस गई। ये मेराज का ताम भी दिमाग में, मेराज के कलाम भी दिमाग में। तवज्जो साहिब वापिस आ गए। एक साल के बाद अल्लाह ने बेटी अता फरमाई, गोद भी मिली बेटी, तो बिल्कुल वही खुशबू थी जन्नत के पास में, बेटी को बिल्कुल खुशबू आ रही, खुश हो गए। अगर जन्नत के कलाम को सुनने को दिल चाहे तो भाई के पास बैठ गए, बिल्कुल फजल मेराज में कलाम हुआ था। और जब मेराज के खाने की खुशबू को दिल चाहे बेटी के पास बैठ गए, वही खुशबू थी। अल्लाह ने कहा मोहम्मद ये तो ये बड़ी तकलीफ होती है, कलाम के लिए इधर आना पड़ता है, काम की खुशबू के उधर जाना पड़ता है, इन दोनों को एक घर में न कर दोनों इकट्ठे हो जाए, तू अब इनके घर जाएगा, तो इनके घर जाना तुझे पूरी मेराज कर लुको हिम्मत का फातिमा के घर आना, उसकी मेराज 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 पूछ लो मुझसे जो कुछ पूछना हो, मेरा मतलब यह है मैं आसमान के रस्तों को जमीन से ज्यादा जानता हूँ, पूछो पूछ लो जो चाहो। मैं पूछा किसी ने, एक साहब ने बड़ा जोर लगा के क्या पूछा, मेरी बकरी के बदन पे कितने बाल हैं। आपने कहा कि अगर मैं कहूँ 10,000 तो तू झुठलाएगा जी। हाँ दिन के देख ले, अगर नहीं मतलब गिन के देख ले, और कोई काम की बात पूछो। आज एटम बनाने वाले और चांद पे जाने वाले, किस्सा बड़ा तवील है, वो दास्तान आपको नहीं सुना था। एक जमाने में पंजाब में पाकिस्तान में मेरा झगड़ा हो गया था मौलाना मौदूदी के साथ, खूब अखबारों में बहस चली, वो भी लिखते मैं भी लिखता, मौजूद बहस कहता खिलाफत राशदा, वो कहते पाकिस्तान में खिलाफत राशदा का निजाम आएगा, और मैं कहता नहीं आएगा, मैं अली का पोता हूँ, अली ने सीरत शहैन को ठुकरा दिया था, हम भी नहीं मानते। एक वो चाल चली जिसे चाल कहते हैं कि तुम शिया हो के, हाँ तो भट्टू भी तो कहता है खिलाफत राशदा, लेकिन उन्होंने कहा कि भट्टू के तरफदार है शिया, तो ये इस बात में आ जाएंगे धोखे में। मैं भट्टू को क्या यानी क्या बला है, मैं कहा जी उसने अगर खिलाफत राशदा कहा है तो वो आप वाली खिलाफत राशदा उसे नहीं कहा, वो तो एक बेदीन आदमी है, उसे क्या खबर खिलाफत राशदा क्या है। आपने राशदा राशदा कहना शुरू किया, उसने कहा मुझे भी पसंद है, वो समझा राशदा कोई लड़की है। मुझे भी पसंद है, और कुछ भी नहीं, उसे क्या पसंद है। दौरान में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी हो, हमारी नुमाइंदे आ बैठते, मैं भी बयान दिखाता हूँ, बयान दिखाते, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौजवान आके बैठ गया, तो खामोश बैठा रहा, उसने कोई सवाल नहीं किया।
उसने कहा मैं आपके घर आना चाहता हूँ, घर आ गया। उसने तो मुझे इतना इल्म दिया कि मैं आपसे क्या बोलूं। उस नौजवान जनाब, मैं, मेरा बाप, मेरा चाचा, मेरा मामा, हमारा सारा खानदान, हम सब खुदा के मुनकर, हम रहेंगे, हम खुदा को नहीं मानते। अच्छा ठीक है, मगर दो आदमियों को मानते हैं, एक अली को एक हसन, ये दोनों अगर खुदा है तो ठीक है, वरना कोई खुदा नहीं। फिर मुझे उसने एक किताब दिखाई जो एटम की थ्योरी पे किताब लिखी गई थी कि चांद में जाने पे और स्पेस, उसमें 145 जगह उस किताब में लिखा हुआ है ये सब कुछ हमने अली से सीखा है। उस वक्त ये ख्याल आता था कि मुसलमानों से कितने बदनसीब हो, कितने बदकिस्मत हो कि दुनिया उससे फायदा उठा रही है और तुम मुसीबत में फंसे हो। अभी इस बात पे बहस कर रहे हो या अली कहें या न कहें, हो रही बहस। जंग 1965 में जंग हो गई कि भारत और पाकिस्तान, हर घर से सारी रात, सारी रात हर घर से या अली की आवाज आती थी। बड़े बड़े मुल्ला और मौलवी सारी रात अपने काम की छतों पर जोर जोर अजान की तरह कहते, या अली मदद, या अली मदद। जब तक जंग रही सारी रात हर घर से या अली की आवाज आती थी। समझे ना, मेरा या अली मेरी बात सुनो, मौलाना काम है उनकी मदद बिल्कुल न कर। ना हुआ जब जंग खत्म हो जाएगी तो या अली को बिदत कहेंगे, मैं का जाने दो, परे कहेंगे तो कहने दो, मैं आराम कुशा नहीं हूँ जो आराम में लोग याद करें, मैं राहत कुशा नहीं हूँ जो राहत में लोग याद करें, मैं ऐश कुशा नहीं हूँ जो ऐश में लोग याद करें, मैं मुश्किल कुशा हूँ मुझे मुश्किल में याद। मुसलमान के अली पे नफरत मेरे घाते रहे और यूरोप की जहरिया कौमों ने अली के फरमान से चांद में जाने का इरादा कर लिया, चांद में जाने की नियत कर ली। मेरे मुहतरम सामने जब ये खुतबा सुना फरिश्तों ने, मैं हूँ इब्राहिम के साथ पर बैठा था, फरिश्तों ने दूसरे को देखा, अल्लाह ने आवाज दी, मैं न कहता था इन्नी आलम वाला था, मैं जानता हूँ कमाल जिसमें तुम है तुम नहीं जानते, तो जो है ना वो मेरे वाला। फरिश्तों ने ठीक है मेरे अल्लाह, मान गए, वाकई ठीक, सुभान अल्लाह, क्या कहे, अभी क्या है, अभी तुम्हें ऐसे ऐसे कमालात दिखाऊंगा कि तुम कयामत तक याद रखोगे और फिर कभी भी एतराज नहीं करोगे। अच्छा अल्लाह ने दिखाएगा, हम इसे देखे तुमने एक जवान को जिस काली नाम से कहा, अब इसके अगर ऐसा बेटा पैदा करूंगा ये बाप से न बह जाए तो मेरा दिल, सादतमंद बेटा होता ही वो है जो बाप से बढ़ जाए, ऐसा बेटा पैदा करूंगा जो बाप से बढ़ जाए, फिर तुम बताओगे ना कि इन्नी आलम बारा तालम ठीक है, ऐसा इंसान पैदा करूंगा जो बाप से बढ़ जाए, बढ़ जाएगा, ऐसा इंसान जो बाप से बढ़ जाए, मर्द नहीं बेटी भी ऐसी पैदा करूंगा इसके घर से बाप से बढ़ जाए। अब तो फरिश्ते गौर से देखने लगे इस इंसान को और उसकी औलाद को, बाप से बढ़ जाए, बेटा तो हुसैन जैसा सामने आ गया, तफसील मिल जाता है, और बेटी बाप की जीनत, खानदान की इज्जत, इस्लाम की शराफत, दीन की मुहाफिज, मोहम्मद वाले मोहम्मद की तर्जमान, 124,000 अंबिया की इज्जत की पासदार, फिर कैद होकर तमाम मोमिनों को जहन्नम की कैद से छुड़ाने वाली, बाजारों में तकरीरें करके कयामत तक मजलिस कायम करने वाली, ऐसी खातून अल्लाह ने पैदा कर दी। नाम तो फातिमा था, अली जो गोद में लेते तो रसूल कहते ज़ैने अब ये लड़की अपने बाप की जीनत है, बाप की इज्जत है, सुभान अल्लाह, बाप की जीनत बेटी हो गई। फरिश्ते कहे या अल्लाह मांगे, वाकई वाकई तू बेहतर जानता है, हमें क्या खबर थी कि इस नस्ल से ये पैदा हो, अब हमें पता चला वाकई ये ठीक कहा तू। अब इस बेटी के दो तीन वाक्य सुन लो राज और मैं खत्म करता हूँ। और किसी नौजवान ने मुझे कहा था कि बीबी ने जो दरबार में खुतबा पढ़ा था वो सुनाओ, वो आज नहीं सुनाना, आज मेरी तबीयत खराब है, फिर किसी दिन इंशाल्लाह कल वल को सुनाऊंगा, उस खुतबे के मुताबिक अपनी गुजरी हुई बात भी सुनाऊंगा आपको, मैं ऊपर गुजर चुकी हूँ। मोहतरम सामीन, आज से मैं ये सुनाता हूँ आपको कि रजब की 27 तारीख, 27 रजब बहुत बड़ी ईद है, उस दिन रिसालत माब ने अपनी रिसालत का ऐलान फरमाया,
बताइए, ऐलान रिसालत जिस तारीख को हो वो बड़ी अहम तारीख है या नहीं? ईद आजम है ये। अहले बैत के घर बड़ी ईद थी, सब लोग अच्छे कपड़े पहने थे, घर में अच्छा खाना पका था, क्योंकि ईद है, ईद मबस है। हुसैन मदीने की मस्जिद में बैठे थे, तारीख के मशहूर अबादला चार अब्दुल्ला तारीख में बड़े मशहूर हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न जुबैर दो, अब्दुल्ला इब्न उमर तीन, अब्दुल्ला इब्न जाफर, ये चारों अब्दुल्ला हुसैन के पास बैठे थे, हुजूर मस्जिद में बैठे हुए थे। फिर से इंशाल्लाह बीच की बात छोड़ता हूं, मस्जिद की बैठे आपस में बातें कर रहे थे, एक नौजवान लड़का आया, उसने कहा कि आप में से हुसैन कौन से हैं? आपने हम क्यों कि आपको आज अभी मदीने के गवर्नर ने बुलाया है। उसका नाम वलीद था, वो यजीद के चचा का बेटा था, क्योंकि तीन चार साल से मदीने में गवर्नर था, तो करीब से देखकर हुसैन की अजमत और इज्जत उसके दिल में पैदा हो गई थी, तो जो है ना उसने बुलाया है आपको। तो इमाम ने यह सुनकर पहला फकरा ये कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पास बैठे थे अब्दुल्ला, उनका क़िबला खैर है, क्या बात है, कुछ नहीं। उसने कहा जाओ कह दो मैं ईशा के बाद आऊंगा, चला गया। अब्दुल्लाह ने पूछा, हुसैन आपने इन्ना अल्लाह क्यों कहा? कि भाई मैं जिस मकसद के लिए पैदा हुआ हूं उसका वक्त आ गया, आज से मेरा काम शुरू हो रहा है। ये चारों अब्दुल्ला इधर उधर हो गए। हुसैन घर में आए नमाज मगरिब पढ़ के मस्जिद से, यहां बहन ने दस्तरखान लगाया हुआ था, जो सारा खानदान आके इमाम के साथ दस्तरखान पे बैठा, अब हम खामोशी से कुछ खा रहे थे। बहन ने कहा, हुसैन खैर तो है, कुछ उदास मालूम होते हो, क्या बात है? कुछ नहीं बहन, खैरियत से ठीक है। खाने से फारे होकर फरमाया, बहन जरा हमारा लिबास लाओ। क्यों भाई, खैर है, क्या बात है, बस चाहिए जरा। नाना की अबा पहनी, नाना का मामा सर पे रखा, नाना की असा हाथ में ही। अब जैन का, हुसैन रात में क्या कर रहे हो? जरा मैं गवर्नर मदीना के पास जाता हूँ। ना हुसैन, मैं नहीं जा रहे दूर, मुझे बड़ा खतरा है, रात में जाओ। जैनब, जिस बात के तुझे डर है वो अभी दूर है, मैं वापिस आ जाऊंगा। जैनब ने दुआएं दम की, हुसैन रवाना हुए। जैनब ने आवाज दिया, ओना मोहम्मद इधर आओ, आए दोनों साथ जाओ। देखो नालैन उठा के एक तरफ बैठ जाना, बोलना मत बिल्कुल, अगर कोई सख्त जुबान से बोले तो उसकी जबान में हो, कोई बुरी आंख से देखे उसकी आंख में हो, जाओ। हम साथ हो गए। कासिम की माँ ने कहा, कासिम बेटा तुम भी साथ जाओ। अकबर की माँ ने कहा, अकबर बेटा तुम भी साथ जाओ। अकील की औलाद मुस्लिम और उसके भाई भतीजे वो भी साथ, ये सब साथ हो गए। इमाम दरवाजे तक पहुंचे तो कमरे बनी हाशिम खाने से फारे होकर अपने मकान में अपने कमरे में बिस्तर पे लेट गए थे, और सीने पर आपका बच्चा फजल। तो अब्बास की जौजा फजल की माँ आई और फजल को हाथ से पकड़ के एक तरफ खड़ा कर दिया। अब्बास कहती है, फजल की माँ खैरियत तो है, क्या बात है? वो घबरा कहती है, खैरियत बिल्कुल नहीं। तो क्या हुआ कि जब मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, मगर खैरियत नहीं, उठ के बैठ गए। बात क्या है? कि बात यह है कि मौला कहीं जा रहे हैं और जैनब नंगे सर खड़ी दुआएं मांग रही है, मुझे नहीं मालूम बात क्या है। बगीचे सुनो, तलवार ली, नंगे पांव दौड़े, मौला दरवाजे पे थे, मौला मुझे मेरे बगैर जा रहा है, मुझे साथ नहीं दिया, इन शहजादों को हुक्म दिए घर बैठे, मैं साथ चलूंगा। साथ हो गए, आओ बेशक। ये सादात का आखिरी जलूस है जो मदीने में निकला है, इस बात से कि तुमको मदीने में बसना नहीं है। जब दरवाजे पहुंचे हाकिम के, आप फरमाते मेरे मौजे शहजादो, यहां दरवाजे के बाहर बैठ जाओ, मैं अंदर जाता हूं, अगर गुफ्तगू में मेरी आवाज बंद हो और तुम सुनो तो बेशक अंदर आ जाना, और नहीं बैठे रहो। बैठ गए। कमर बनी हाशमी दरवाजे से कान लगा दी, इमाम अंदर गए, बड़ी ताजीम को उठा बिठाया,
मैं एजाज के साथ कबला मेरा हूँ, कसूर नहीं, मैं मातहत हूँ। यजीद का खत आया है, हुसैन से हमारी बैत लो, हुजूर मैं क्या करूं? आपने फरमाया जो फिक्रा कहा है वो सुनने के काबिल है, ये चीजें तारीख के जिगर से निकाले हुए मोती है कबला। जवाब में कहते हैं हिजाब अलीग अन अब्न अली इब्न अबी तालिब, ये पता है मैं अली का बेटा हूँ। वो मछली लाइब आयो अली का बेटा बैत नहीं करता, यही कहा मैं फातिमा का बेटा हूँ, यही कहा मैं मोहम्मद का बेटा हूँ। अली का बेटा कह के इनकार करने के माना ये थे कि ना अली ने किसी की बैत की ना मैं करूँ, अपने बाप के जिम्मे के इल्जाम को खत्म किया। उसका किबला आपको इख्तियार है, कल दिन में तुम मस्जिद में आना फिर बात करेंगे, मैं अब जाना चाहता हूँ। ये कैसे उठ के खड़े हो गए चलने के लिए? जब खड़े हो गए ना चलने के लिए, ये फितरा सुन लो साहिबा, काना मरवान जाले संग तवज्जो, मरवान उसी कमरे के कोने में बैठा हुआ वजू कर रहा था, तो इशारा इला रासिल हुसैन, उसने वजू करते करते इशारा किया कि हुसैन का सर काट। अब तुम बताओ ईमान से कि वजू करते हुए सर काटने का इशारा किस तरह होता है? जी तरीका है ना, उस मरवान की सुन्नत है जो आज तक आए धन हो। उधर उसने कहा हुसैन का सर, उधर आपने बंद आवाज से कहा अपने जरका अंतवरा थी, और जरका के बेटे तू मेरे सर का नाम ले रहा है। ये जो बुलंद आवाज से कहा, तो बाहर जो बैठे थे शहजादे खैबर कुशा के बेटे ने दरवाजे पे हाथ मारा, दरवाजा टूट के गिरा, अंदर आ गए। इस जोश में जनाब अब्बास अंदर आए हैं, जैसे इमाम आ रहे थे सीने से सीना मिला, इमाम दो कदम पीछे आए। भाई बड़ा गुस्सा है, क्या बात है कि इतना उस आदमी को बता जिसने तेरे सर का नाम तो मेरे होते मेरी मौजूदगी में मेरी जिंदगी में मेरे बाद चाहे कुछ हो जाए मौला मेरी जिंदगी में किसने तेरे सर का नाम। भाई के सीने पे हाथ रख के दुआ पढ़ी, अरे भाई कोई बात नहीं खुशी। रस्ते में मौला ने देखा कि आंखें सुर्ख हैं, भाई अभी गुस्सा नहीं उतरा, ये किबला मेरी क्या मुजाहिद तेरे हुक्म के बाद गुस्सा करूं, तेरे हुक्म का ताबे हूं, मगर रंज ये है कि घर जाऊंगा बच्चे साथ है, ये सब वाकयात सुनाएंगे, ये भी सुनाएंगे किसी ने मौला के सर का नाम लिया था, अगर जैनब ने मुझसे पूछ लिया बात तेरे मैं जैनब को क्या जवाब दूंगा, मैं कर दूंगा। खैर घर आ गए, जैनब इंतजार में खड़ी दरवाजे पर, हुसैन आए अंदर। जैनब ने कहा हुसैन भाई क्या बात थी? तो बहन कुछ नहीं, बात कुछ नहीं थी, एक बात बताओ जैनब, हम तुमसे मशवरा लेना चाहते हैं। जैनब हैं हुसैन मुझसे मशवरा? तुम इमाम जमाना हो, तुम दुनिया के उम्र मुसलमान के माहिर वाकिफ हो, तुम मुझसे मशवरा? हाँ जैनब, तुम्हें पता है माँ के बाद हमने बावजूद छोटी बहन होने के तुम्हें माँ समझा, आज एक बात का मशवरा है जैनब। फरमाओ हुसैन मैं इस काबिल कहा हूं, मगर कहो कि आज मुझसे यजीद की बैत मांगी गई है, जैनब बताओ मैं क्या जवाब? मैं सुनना था कि जैनब का चेहरा सुर्ख हो गया, हुसैन मेरा इम्तिहान न लो, मेरा इम्तिहान ले रहे हुसैन, याद रखो हुसैन जो दूध तुमने पिया है वही मैंने पिया है, तुम्हारा बाप है वही मेरा बाप है, जो तुम्हारी